Assalamu alaikum everyone, my name is Bilal Alvi and I am back with this week's review of Coke Studio Season 12. This time we're going to be talking about Episode 5 and I am very excited. Shayad aap logon ko meri tone se pata chal gaya hoga. Mujhe samajh mein nahi aa raha hai ye kar kya rahe hain Coke Studio wale. Ek episode dhamakedar hoti hai, uske baad dusri episode phir thodi meh ho jati hai, phir ek thoda mazedar cheez hoti hai, phir thoda meh ho jata hai. But this episode has been amazing. Matlab ek ke baad ek bomb upon bomb upon bomb. Matlab maza aa gaya. And the best thing was that we had 4 songs, not just 3. So there's a lot to unpack, a lot to discuss. So let's get started. So first up this week is Balma by Fariha Parvez. Fariha Parvez ki awaaz to hai magical. Bahut khoobsurat gaati hain. और एक इतना एक सुकून है उनकी आवाज़ में, एक ठहराव है जो आई थिंक क्लासिकल सिंगिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत ही खूबसूरत गाना था. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रैक वाज कि एक क्लासिकल गायकी के साथ जो एक मॉडर्न म्यूज़िक का एक ब्लेंड था, दैट वॉज वेरी वेरी नाइसली डन. एंड आई रियली इन्जॉयड दिस. बहुत सुकून वाला, एक सूदिंग, एक आप बिल्कुल आप आंखें बंद करके सुने और आप झूमे, उस टाइप का ट्रैक था. मुझे बहुत मजा आया. सो वेल डन, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू दिस एपिसोड. सेकंड ट्रैक ने थोड़ा सा मूड चेंज किया. दिस वाज राहत फतेह अली एंड आयमा बेग एंड दिस हैड अ वेरी जैज काइंड ऑफ अ फील. और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसके अंदर एक जैज टाइप की म्यूजिक के साथ पंजाबी लिरिक्स और एक क्लासिकल अलाप राहत का जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, टिपिकल उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है. आई थिंक दिस वाज अ वेरी फन अपबीट काइंड ऑफ अ ट्रैक. इसमें बीटीएस में बताया गया कि दिस इज लाइक अ हीर रांझा की कॉन्वर्सेशन. सो बड़ा इंटरेस्टिंग था. एक बड़ी इसकी ओवरऑल एक बड़ी थोड़ी फंकी सी ग्रूवी सी फील थी. एंड राहत फतेह अली डिड एन अमेजिंग जॉब ऑफ कोर्स. बट आयमा बेग, माय गॉड, व्हाट अ रॉक स्टार. क्या आवाज है एंड द वे शी गेट्स इनटू द ग्रूव. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फन ट्रैक. बड़े मजे का था. बड़ी डिफरेंट चीज थी. द काइंड ऑफ थिंग दैट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम कोक स्टूडियो. सो येट अगेन वंडरफुल. बहुत मजे का ट्रैक था. थर्ड ट्रैक इज डाची वालिया बाय हदीका कियानी. गूज बम्प्स प्रिटी मच थ्रू आउट द सॉन्ग. हदीका इज अ पावर हाउस एंड द वे शी सिंग्स, मतलब एक फील के साथ, एक झूम के जिस तरह वो गा रही थी, आई थिंक एक सूफी ट्रैक का सही हक अदा कर दिया. बहुत बहुत खूबसूरत ट्रैक था. और जो लिरिक्स थे, जो कलाम था, जो पोइट्री थी, उसकी अगर आपको थोड़े से समझ में आए, अगर लैंग्वेज मुश्किल है, तो प्लीज टर्न ऑन द सबटाइटल्स एंड वॉच द बीटीएस. बिकॉज जिस तरह से हदीका एक्सप्लेन कर रही है आपका पूरा एक गाने का अंदाज और जो गाने के पीछे का जो मीनिंग है, जो मैसेज है, आई थिंक इट वॉज मैग्निफिसेंटली डन एंड ब्यूटिफुल. मतलब मैं इसको बार बार सुन रहा हूँ एंड इट वॉजन लाइक एक सूफी ट्रैक है तो थोड़ा सा आपका एक मेलो टाइप की चीज, मतलब एक अपबीट म्यूजिक भी है, फिर एक आपके एक झूमने वाला अंदाज भी है. मजा आ गया. मतलब डबल थम्स अप भी नहीं, डबल सल्यूट. आई थिंक दिस वॉज अ मैग्निफिसेंट ट्रैक. फैंटास्टिक, वेल डन. दिस वीक वी हैव a fourth track, which is a bonus track, and what a bonus. मतलब जब हदीका कियानी वाला गाना खत्म हुआ तो मैं तो एक बहुत ही मजे के एक जोन में चला गया था. मैं उसको दोबारा से सुन रहा था एंड देन आई रिफ्रेश्ड माय न्यूज़ फीड एंड आई वाज लाइक ये क्या है. एंड माय इंस्टेंट थॉट वाज नहीं, क्यों क्यों, एक इतने हाई नोट पे हदीका ले गई थी इस एपिसोड को, एक और चीज क्यों, वहीं रोक देना चाहिए था. बट जाहिर है सुना एंड माई गॉड, what a fantastic magnificent mind blowing track this was. Itni khoobsurat awaaz hai is aadmi ki, matlab ye kahan chupa hua tha.
I need to go start listening regularly to Pashto music, because whether it be Zarsanga or it is Gulpana or it is Khumariya and the band or Shamali Afghan now, these people, inki itni meethi awaaz, inka gaane ka andaaz, inka music itna soothing, this song was no different. बहुत इसकी जो एक बड़ी एक तो ब्लूज टाइप की फील थी, उसके ऊपर एक पश्तो लिरिक्स का एक ट्रेडिशनल क्लासिकल अंदाज में मैंने कभी इस तरह से नहीं सुना. आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल और एक सूदिंग भी था, ग्रूवी भी था, मतलब बहुत मजे का गाना था. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा द मरम एंड देन द वर्ड्स मरम मरम. आई नो द बीटीएस टेल्स अस दैट मींस डाइंग डाइंग, बट मरम मरम जस्ट साउंड्स सो क्यूट एंड सो फन. सो आई एम लाइक सो हैप्पी. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वे दे कुड हैव एंडेड दिस एपिसोड. मजा आ गया जी. सो ओवरऑल आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एपिसोड सो फार. बहुत एक के बाद एक के बाद बॉम्ब पे बॉम्ब गिरे थे. जबरदस्त जबरदस्त गाने थे सारे के सारे. डिफरेंट डिफरेंट फील्स और जॉनरा के गाने थे. मतलब मेरी तो इस पूरे वीक की प्लेलिस्ट सेट हो गई जिसमें यही चार गाने हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ फील गुड अपबीट टाइप का चाहिए तो आप हीरे और मरम मरम सुने. अगर आप बिल्कुल एक मेलो जोन में हैं तो आप बलमा सुने. और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने आप को काम डाउन करने के लिए ना टोटल सूफी जोन में जाने के लिए आप डाची वालिया सुने. आई थिंक दिस इज सच अ वेल राउंडेड एपिसोड. अमेजिंग जॉब गाइस. एक एक गाना एक एक मतलब ओवरऑल एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. Also, I would like to give a shout out to whoever is doing the styling for this season. I think our fashion experts at Fuchsia will know who it is and they will probably be talking about it. But the styling is on point. Everybody looks amazing. Nobody looks over the top. Everything looks very meshed in with the music. So I think that is also very important for an overall visual appeal. So anyway, मैं अब चलता हूँ. I'm gonna go listen to these songs again and again and again and again. And I look forward to hearing back from you guys, because I love hearing your feedback. आप मुझसे agree करते हैं नहीं करते हैं please मुझे बताएं. And until next time, I hope you guys are enjoying it. Allah Hafiz.